सुप्रीम कोर्ट की ओर से एससी एसटी वर्गों के आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर निर्णय दिया गया था। इसके बाद एससी एसटी के विभिन्न संगठन भारत बंद का आह्वान कर रहे थे। राष्ट्रव्यापी भारत बंद आंदोलन के समर्थन में बाड़मेर में भी विभिन्न संगठनों ने बाड़मेर बंद का आह्वान किया। सुबह से ही व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। 21 अगस्त यानी कि आज भारत बंद को लेकर एससी एसटी समाज द्वारा किए गए आह्वान को लेकर बाड़मेर में भी सर्व समाज ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे हैं और सर्व समाज ने भी एससी एसटी समाज को आरक्षण को लेकर जो भारत बंद का आह्वान है उनका समर्थन किया है। बंद को लेकर आज बाड़मेर में भी आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति की ओर से रैली निकाली गई। डीजे बजाते हुए कार्यकर्ता नीले झंडे लहराते हुए रैली में पहुंचे। बड़े बुजुर्ग महिलाएं और बच्चे भी इस रैली में जय भीम के नारे लगाते हुए शामिल हुए। रैली बाड़मेर के अंबेडकर सर्किल से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। ये रैली पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से निकाली गई। कोई भी हिंसात्मक घटना ना हो इसलिए शहर में जगह जगह पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा, एएसपी जस्सा राम बोस, नाजिम अली पुलिस के आला अधिकारी हर तरह से अलर्ट थे। ज्ञापन के बाद एससी एसटी वर्ग के लोग मीडिया से रूबरू हुए और अपनी मांग रखी। किस मांग को लेकर आज ज्ञापन दिया? आज पूरा एससी एसटी और हमारा जो समाज है इसने जो सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को जो आदेश पारित किया है उसके विरोध में यहाँ के आरक्षण जो है विरोधी जो हमारी जो संगठन है उसके द्वारा आज श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया है और उसमें ये मांग की गई है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है हम उसका विरोध करते हैं और इसकी जगह हमारा संसद जो है इसमें कोई कानून बनावे। जैसा कि आपको ज्ञात है 1 अगस्त को सम्माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल एयर को लेके एक राय दी है, फैसला भी दिया है, तो उस फैसले को लेकर एक भ्रम की स्थिति बनी हुई पूरे भारत में कि अनुसूचित जाति और जनजाति के वर्ग में दो टुकड़े करके और उनको अलग करने की जो की गई है उसका विरोध आज पूरे भारत में किया गया, भारत बंद किया गया और उसी को लेकर पूरा भारत। रही बात आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि भाई हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो प्रधानमंत्री जी जो अनुसूचित जाति और जनजाति के जितने भी सांसद वहाँ मिलने गए थे तब उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम जो है कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, परंतु उसके पश्चात भी हरियाणा और कर्नाटक स्टेट ने इस पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया गया। अगर केंद्र सरकार की मंशा अगर साफ होती तो वो अध्यादेश लाते और इस कानून को निरस्त करते, जो फैसला आया उसको निरस्त करते, ऐसा केंद्र सरकार ने नहीं किया है, इसलिए भ्रम की स्थिति बनी हुई कि सरकार मुंह से कुछ और बोल रही है करना कुछ और चाह रही है, इसलिए आज ये विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दलित समुदाय में भी कई ऐसे वर्ग हैं जो इस फैसला का स्वागत कर रहे हैं, आज के आंदोलन का विरोध भी कर रहे हैं। देखो दलित समाज एक अनपढ़ वर्ग है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग बहुत ही अशिक्षित लोग हैं, उनको वास्तविक इस फैसले का ज्ञान नहीं है कि इस फैसले से क्या नुकसान होगा क्या नफा, उनको ये बरगलाया जा रहा है कि साहब जो नौकरी लग गए उनको अलग करेंगे तो आपको जो है अब नौकरी लगने का चांस रहेगा, जब आप स्कूल ही नहीं जाओगे तो आपको चांस लगेगा कैसे, आप पहले सबसे पहले तो स्कूल जाओगे पढ़ोगे तब आरक्षण का आपको लाभ मिलेगा, तो सरकार को चाहिए कि उनको पढ़ाई के लिए शिक्षण व्यवस्था के लिए उत्तम व्यवस्था की जाए ताकि बराबरी के दर्जे पे आगे खड़े हो जाए हर वर्ग का आंसर। तो आपको क्या लगता है क्योंकि इसमें जो कहा गया है कि जो जिसको आज दिन तक लाभ नहीं मिला है उसको आगे लाया जाए? नहीं, लाभ जो भी पड़ता है, जैसे मैं पढ़ा तो मेरे पिताजी कोई ऑफिसर नहीं थे, मैं एक किसान वर्ग से था, मेरे पिताजी ने मेरे को पढ़ाया, मैं स्कूल में पढ़ा जहां समाज कल्याण छात्रावास उसमें रहता था, मैं पढ़ा तो मुझे अवसर मिला, तो हमारे जो अभिभावक हैं अनपढ़ अभिभावक हैं या पढ़े लिखे नहीं उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप बच्चों को स्कूल में भेजो तो अवसर मिलेगा, अगर वो पढ़ेंगे तो अवसर मिलेगा, और सरकार से ये निवेदन रहेगा कि उन बच्चों को वो भौतिक सुविधाएँ एजुकेशन की फ्री एजुकेशन दी जाए जो बराबरी के दर्जे पर आ सके। अगर सुरताराम जी कैपेबल हो गए और सुरताराम जी का भाई जो गाँव में आज भी मजदूरी कर रहा है उसको आगे लाने के लिए नहीं, उसके उसको 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 आगे लाने के लिए मैं ये चाह रहा हूँ कि उसके बच्चों को सरकार जो बराबर भौतिक सुविधाएं दे, जहाँ तक सरकारी स्कूल हैं वहाँ पे जो गांव से बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे आप 8वीं तक फेल नहीं करते हो और वहाँ एक से 10वीं तक लाके इस स्टेज पे छोड़ देते हो कि वो किसी कंपटीशन में पैदा नहीं हो। अब रही बात आप उन बच्चों की बात कर रहे हो, अभी जो 2021 जो ऑफिसर बिना एग्जाम IAS दिए जो सरकार ने भर्ती किए बैकडोर एंट्री से किए उस तरीके से कर रहे हैं, अब यहाँ पे तो पढ़ रहे हैं उनकी बात कर रहे हो, उनको पढ़ाई की बराबर
बराबर सुविधा दी जाए, जो गांव में मेरा भाई अगर नहीं है उनके बच्चों को सुविधा बराबर सरकार दे, क्योंकि वो भी टैक्स पेयर है, वो बराबर टैक्स देता है, जितना मैं देता हूँ उतना वो देता है, तो उनके बच्चों को भी सुविधाएं मिलनी चाहिए। आरक्षण में अपना आप आएंगे सामने जब उनको सुविधा मिल जाएगी। तो